आप कुछ समय ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए जरूर निकालें, ताकि आपको भी लगे कि ईश्वर ने हमें कहाँ जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर जन्म दिया है जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। मुश्किल जीना, ये जगह प्राचीन है जी। यहाँ पर पहले प्राचीन में कोई मंदिर था जो पत्थर का था जी, कोई राजा भी रहा करता था जगह। बिल्कुल, तपस्या किया था, 11,000 शिवलिंग कटवा के पत्थर का वो लाइन लगा के रख के उसमें तो पानी डाला करता था। वंडरफुल। व्हाट्स अप लवली पीपल, दिस इज गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। बताना चाहूँगा अगेन, ये संडे है तो हम लोग बहुत ही खास जगह पर जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहें और हमसे जुड़े रहें, क्योंकि ये जो ब्लॉग बनने वाला है बड़ा ही दिलचस्प बनने वाला है, तो बने रहें। बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा था, ये है हमारे विजय सर, ये मेरा विराट दोस्त है। और बताना चाहूँगा, इस वक्त हम लोग दलमा को जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, माता का दर्शन, जो माता का दर्शन कर लिए हैं और हम लोगों ने उनसे आशीर्वाद ले लिया है, और अब हम आशीर्वाद ले करके दलमा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो एक सवाल विजय सर से है, विजय सर आपसे सवाल ये है कि आप पहली बार दलमा को जा रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं काफ़ी रोमांचित हूँ, और दलमा जाने के लिए उससे पहले हमने माता काली का दर्शन किया, और चूँकि मेरा यह पहला दलमा जाना है तो मैं देखना चाहूँगा कि वहाँ कैसा है, कैसा भव्य है, क्योंकि पहाड़ों से होकर जाना है, तो मैं काफ़ी रोमांचित हूँ। बिल्कुल, तो आप लोग बने रहिएगा और हमसे जुड़े रहिए। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, फिलहाल हम लोग चलते चलते यहाँ दलमा का चेक पोस्ट में आ गए हैं, और आप लोगों को पता होगा यहाँ पर एक चेक पोस्ट है जहाँ पर आपको एक रसीद खरीदना पड़ता है, उसके बाद आप अंदर को एंटर हो सकते हैं। और बताना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी इस लॉकडाउन के दौरान, ड्यूरिंग लॉकडाउन, आप संडे को दलमा के अंदर नहीं जा सकते हैं। आप संडे को छोड़ करके आप किसी भी दिन, बाकी दिन को जा सकते हैं, लेकिन संडे को आप लोग मत आइएगा जब तक ये लॉकडाउन है, क्योंकि संडे को ये जो दलमा है ये बंद रहता है। वैसे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, बट जैसे हमें मालूम चला कि संडे को बंद रहता है तो थोड़ा निराश हैं। बट बताना चाहूँगा, अभी हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अभी हम लोग ज्वेदा मंदिर को जाएंगे, तो आप लोग बने रहें। जैसा कि हम लोग का प्लान था दलमा जाने का, अब यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस हमें रोक दिया रास्ता। अंकल बताइए आपको कैसा लग रहा है? ठेस हुआ लगा, जाने नहीं मिला, और क्या, इतना दूर से आए थे, बड़ी दूर से आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अगला प्लान क्या है बताइए अंकल? अगला प्लान अब हम लोग जोधा की ओर जा रहे हैं, चूंकि यहाँ पर निराशा हाथ लगी है, तो हम सभी साथीगण अब जोधा की ओर जा रहे हैं। विजय सर, जैसे कि आप शुरू से ही उत्साहित थे, काफी उत्साह था, काफी खुशी थी, इस वक्त आपके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही है। मैं बिल्कुल निराश हूँ, सिर्फ आंसू नहीं गिर रहे हैं। बिल्कुल। हमें निराशा ज़रूर हुई दलमा के बंद होने से, लेकिन मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आकर के हमें काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है, जो सीन है, वो ज़बरदस्त है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, फिलहाल ये मानसून का सीज़न है, ऐसे में यहाँ चारों तरफ हरियाली है। चलिए मैं थोड़ा सा बढ़िया से दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, मानसून की वजह से नदियों में एक नई धारा बह रही है, एक नई जान आ गई है। और यहाँ देखिए, ये है आज का हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य, जोधा मंदिर। बताना चाहूँगा, ये जो जोधा मंदिर है हमारा जमशेदपुर का बहुत ही बहुप्रसिद्ध मंदिर है,
और इस वक्त आप नज़ारा देख सकते हैं, इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। का इस प्रकृति का जितना भी तारीफ किया जाए शायद कम ही होगा। लवली पीपल, आप लोग देख सकते हैं हम लोग फाइनली हम लोग का जो डेस्टिनेशन है यानी कि जोयदा मंदिर वहां तक पहुंच चुके हैं। आप लोग पीछे देख सकते हैं और बताना चाहूँगा यहां पर आकर के लग रहा है कि दलमा के बंद होने से हमें जो निराशा हुई वो सारा मिट चुका है और हमें यहां खूब मज़ा आ रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा लवली पीपल, आप जब इस जोयदा मंदिर के परिसर में आते हैं तो सबसे पहले आपको सूचना ये दी जाती है या फिर जगह जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, वीडियोग्राफी करना मना है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए ये मैं कर रहा हूँ। और बताना चाहूँगा ये जो मंदिर है ये काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ जमशेदपुर में, हमारे इस झारखंड में, और इस वजह से यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और ये बारह मास यानी कि साल भर यहाँ पर श्रद्धालु की जो भीड़ होती है वो लगे रहती है। और इस वक्त आप देख सकते हैं पूजा पाठ का जो कार्यक्रम वो चल रहा है, अंदर में कुछ लोग हैं पूजा कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों को दर्शन करवा रहा हूँ। जोर से बोलो जय माता दी। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा इस जोयदा मंदिर के ठीक बगल में ही एक नदी भी है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और इस वक्त आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे हमारे फौज की बटालियन नहा रहे हैं, तो उस ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बताना चाहूँगा लवली पीपल, यहाँ इस जोयदा मंदिर में आप जब सीढ़ियों के सहारे यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक नदी मिलेगी और इस नदी में लोग आकर के नहाते हैं और स्नान करने के बाद, नहाने के बाद इस मंदिर में पूजा पाठ का जो भी कार्यक्रम होता है उसको सुचारू रूप से शुरू करते हैं। और बताना चाहूँगा ये जो नदी है बेसिकली ये स्वर्णरेखा नदी है और ये जो नदी है चंडील डैम से होकर के आ रही है, उधर से होकर के बहकर आ रही है और आप लोग देख सकते हैं इसका जो नज़ारा है वो बेहद ही खूबसूरत है। और इससे भी खूबसूरत जो नज़ारा है इस मंदिर का है, जोयदा मंदिर का है। और बताना चाहूँगा यहाँ जोयदा मंदिर में मूल रूप से शिव भगवान यहाँ पर विराजमान है। लवली पीपल मैं बताना चाहूँगा यहाँ इस जोयदा मंदिर में आकर के काफ़ी मज़ा आ रहा है और इस वक्त हम लोग यहाँ स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर खड़े हैं। ऐसे में यहाँ पर ताजगी वाली और बहुत ही शीतल वाली हवा बह रही है, ऐसे में हमारा जो खुशी है उसमें चार चांद लग गए हैं। और बताना चाहूँगा यहाँ पर है इधर जोयदा मंदिर और इस वक्त मेरे जो साथीगण हैं, मेरे जो बटालियन के फौज हैं, वो लोग पूजा कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा ये जो जोयदा मंदिर है ये हमारा जमशेदपुर का, हमारा झारखंड का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। और यहाँ पर हर सावन में, जैसे कल से सावन शुरू होने वाला है तो हर सावन में यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और जो भी पूजा पाठ की जो भी रस्में होती हैं उसको निभाई जाती है। तो मैं भी यही बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पर एक दिन आएँ और आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं, जो भी आपकी मन्नतें हैं उसके साथ में आएँ और उसको पूरा करें।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हम लोग यहाँ हमारे प्राचीन और प्रसिद्ध जोयदा मंदिर के परिसर में हैं, और इस वक्त मुझे बहुत ही खुशी लग रही है और ख़ुद को मैं सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस वक्त मेरे साथ विजय सर हैं। तो आइए हम विजय सर से कुछ जानने का कोशिश करते हैं। तो विजय सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप पहली बार इस जोयदा मंदिर के परिसर में आए हैं, तो आप ये बताइए कि आपको इस जोयदा मंदिर में आकर के कैसा अनुभव हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतने सुंदर स्थल पर आप मुझे लेकर आए जी। और अनुभव के बारे में क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है। इतने सारी देवी देवताओं की प्रतिमा है यहाँ पर, कहा जाता है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ जी, तो मैंने और भी पुजारियों से इस बारे में पूछा, उन्होंने कहा काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, आपको कलयुग से पहले द्वापर युग का ये मंदिर है जी। और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे, पहाड़ों के बीच में नदी और नदी के बीच में सुंदर प्राचीन मंदिर जी जी, बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। और मैं श्रद्धा से ओतप्रोत हो चुका हूँ, अब मैं ईश्वर को और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मेरा ये सौभाग्य कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला जी जी। आपका दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस मंदिर में आकर के आपको क्या क्या जानकारियाँ मिली? मुझे यह जानकारी मिली कि चूँकि यह प्राचीन मंदिर है, तो कहा जाता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी भी अपनी लीला दिखा रहे, तो इस मंदिर का उसी समय निर्माण हुआ था। यहाँ के जो राजा थे उसने इस मंदिर का निर्माण किया था जी, और सदियों से यहाँ पर पूजा होती हुई आ रही है। और यहाँ कहा जाता है कि यहाँ जो भी आप मन्नत मांगते हैं वह पूरा होता है। आप श्रद्धा से आएँ, बाबा भोलेनाथ को आप जल चढ़ाएँ, यहाँ सारी जो भी आपकी मनोकामना है पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी सवाल आपसे ये है विजय सर कि संडे के दिन मैक्सिमम लोग, चाहे यूथ हो या फिर हर वर्ग के लोग, सोए रहते हैं, जबकि मैं ये समझता हूँ, पर्सनली ये समझता हूँ कि उन्हें ऐसे जगहों पर घूमना चाहिए, प्रकृति की गोद में टहलना चाहिए, तो आप उन लोगों से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं सभी युवाओं और खासकर बुजुर्गों या चाहे जो भी बच्चे हैं, हर वर्ग के लोगों से यह अनुरोध करता हूँ कि रविवार का जो दिन होता है वो उसे सो कर ना बिताएं। आप इसी तरह इसी धार्मिक स्थल या किसी एडवेंचर स्थल, जो कि हम लोग का प्रयास है कि आप लोगों को एडवेंचर स्थल भी दिखाएं और धार्मिक स्थल भी दिखाएं, आप आएँ, आनंद लें, परिवार के साथ आएँ या चाहे अपने मित्रों के साथ आएँ, जरूर आएँ, सो कर ना बिताएं रविवार को। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में एक थोड़ा सा संक्षेप में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी आपकी दिनचर्या है, चाहे आप जितने भी व्यस्त हो, चाहे अपने व्यवसाय से हो, चाहे अपने अपने नौकरी से हो, आप कुछ समय ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए जरूर निकालें, ताकि आपको भी लगे कि ईश्वर ने हमें कहाँ जन्म दिया है, इस पृथ्वी पर जन्म दिया है जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। आप किसी भी प्रकार से तनाव में हो या किसी भी प्रकार का टेंशन हो या कोई भी पारिवारिक विवाद हो, आर्थिक विवाद हो, व्यावसायिक विवाद हो, आप जरूर अपना समय निकाल कर इस स्थल पर आएँ। इसी तरह के कई और स्थान हैं, आप जरूर रविवार के दिन आएँ और अपने व्यस्त कार्यक्रम या व्यस्त दिन से समय निकाल कर आएँ, ताकि आपका जो भी थकान और तनाव हो दूर हो जाए। बाबा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। बाबा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमें इस मंदिर के बारे में कुछ इतिहास बताएं, ताकि हम दर्शकों को और थोड़ा जानकारी मिले। हाँ, इतिहास जो मैंने सुना है, हमको जो सुनाया गया, बस इतने दूर में बता सकता हूँ, इसके आगे पीछे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जी 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 बाबा। तो जो बताया गया, ये जगह प्राचीन है जी। यहाँ पर पहले प्राचीन में कोई मंदिर था जो पत्थर का था जी, कोई राजा भी रहा करता था जगह। बिल्कुल। तो कुछ किया था, 11,000 शिवलिंग कटवा के पत्थर का वो लाइन लगा के रख के उसमें पानी डाला करता था। वंडरफुल। जो नदी है ये सूख जाता था जी। बाहर एक तालाब है, उसमें पानी रहा करता था। बिल्कुल। अब उसमें से पानी उठा के ला के उसमें डेली का जो चढ़ाने लगा, तो उसका तपस्या जब पूरा हुआ तो 3 शिवलिंग प्रकट हुआ जी। एक उसको माना जाता है, 2 वहाँ पर है, 1-2 हरिधर, 1-3 3 शिवलिंग को माना जाता है कि उसी का मैंने प्रकट किया हो, या तो वो मैंने बना के लगाया हो, जो भी किया है वो किया था जी। और उसको जगह को सिद्ध किया था जी। और फिर जब वो उसका जब जमाना खत्म हो गया, तो नदी का बाढ़ और पहाड़ की गिराव, ये दोनों मिला के मंदिर को नष्ट किया, एकदम बिल्कुल नष्ट, समाप्त समाप्त हो गया, जो कि यहाँ कुछ भी नहीं था।
एक पत्थर जो है दिखाई देता था, घास वगैरह उग गया था पूरा जी। तो उसमें देखते देखते कभी कोई राजा इधर से कोई संबंध लेके गया था जी सरायकला की ओर, जो वापस आ रहा था। अच्छा, तू जब यहाँ रुका तो देख रहा कि अरे ये घास चरने का जगह है, घोड़ा को घास उस चरने दो, खुद भी सैनिक सब नहा लो, उसका बाद ही यहाँ से हम लोग चलते। बिल्कुल। तो राजा जहाँ बैठा था वहाँ एक गोल सा पत्थर लगा हुआ था जो हिलने लगा। तो राजा बोला पत्थर हिल क्यों रहा, इसको जरा उठाओ। उठा दिया तो देख रहा नीचे एक शिवलिंग है। तो बोला यहाँ से राजा कितना दूर में है, तो राजा हमारा ईंचागढ़ में रहा करता। तो एक सैनिक जाके वहाँ खबर दिया कि आपका एरिया में एक शिवलिंग निकला है, इसका आपको देखभाल करना। बिल्कुल। तू आके देखभाल करने लगा उसको जी, देखने लगा, फिर मेला लगाने लगा जी। उस समय कोई साधु बाबा एक आया जी, एक साधु बाबा आया, पता नहीं उसका रखल साधु नाम था या कुछ, वो भी नागा बाबा। ओके। फिर वो कुछ दिन रहने के बाद छामड़ा उमड़ा के जरिए रहा जी, फिर वो मर गया, किधरों चला गया। दूसरा एक आया, ओके, वो भी कुछ दिन छामड़ा उमड़ा वगैरह में, तो पत्थर की दवाल वगैरह दे के छामड़ा उमड़ा लगा के वो कुछ दिन रहा, फिर वो चला गया। हमारी गुरु जी पहुँच गए, जो भी समाधि में यहाँ समाधि लगाया गया जी, ये गुरु जी पहुँच गए। जब गुरु में जुगाड़ जगाड़ करके वो अपना सीमेंटिंग का काम करवाने लगा, भक्तों भी साथ देने लगा, जो सीमेंटिंग का काम आज इतना दूर पहुँचा। तो मंदिर प्राचीन है, शिवलिंग प्राचीन है, बाकी मंदिर जो है ये बनाई हुई नया है, ये नया है जी। जी बाबा जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद दें, हमारी तरफ से आशीर्वाद है बेटा, तुम अपना लक्ष्य में प्राप्त जी। धन्यवाद बाबा जी। तो लवली पीपल, मैं बताना चाहूँगा यहाँ इस ज्वेदा मंदिर में आकर के काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट कहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे प्यार देते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।